नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलसकाई में आपका स्वागत है। छोटी सी बात पर गुस्सा आना और बहुत अधिक गुस्सा करना, नहाने के कुछ समय बाद ही शरीर से दुर्गंध आने लगना, ये इस बात का लक्षण है कि आपका शारीरिक प्रकृति का है, यानी आपके शरीर में पित्त की अधिकता है। पित्त शरीर में अनेक स्थानों पर प्रमुखता में रहता है और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पित्त असंतुलित होने पर एक या दो नहीं बल्कि 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। पित्त कम हो तब भी व्यक्ति रोगी हो जाता है और यदि पित्त अधिक हो तब भी कई तरह के रोग घेर लेते हैं। बता दें, कुछ ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत अधिक तीखा भोजन करने से पित्त बढ़ता है, मानसिक तनाव के कारण पित्त बढ़ता है, शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत करने पर भी पित्त दोष में वृद्धि होती है, भूख लगने पर भोजन न करना या बिना भूख के भी कुछ न कुछ खाने से भी पित्त बढ़ने की समस्या होती है, नॉनवेज अधिक खाने से भी पित्त बढ़ता है। जो लोग खट्टी चीजें, गर्म तासीर की चीजें और सिरके से बनी चीजों का अधिक सेवन करते हैं उन्हें भी पित्त बढ़ने की समस्या हो जाती है। पित्त को संतुलित करने के लिए आप मसालेदार भोजन करना बंद करें और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। भोजन में देसी घी का सेवन करें। शरीर को ठंडक देने वाली कच्ची सब्जियों को अधिक खाएं। खीरा, मूली, चुकंदर, ककड़ी, गाजर, ब्रोकली, इन सब का सेवन करें। पित्त प्रकृति के लोगों को कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। कच्चा टमाटर, ड्राई फ्रूट्स बहुत ही कम खाएं। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर खाएं। मूंगफली का सेवन कम से कम करें। चाय और कॉफी कम पिएं। तो आपको भी अगर पित्त दोष की समस्या है तो इन उपायों को अपनाकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं।